नमस्कार दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी भर्ती 2024 जिसमें 12th पास यानी कि अंडर ग्रेजुएट लेवल और ग्रेजुएशन पास यानी कि ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी आई हुई है, दोनों का अलग अलग ही। और इसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो अभी मुझे देख रहे हैं, वो लोग फॉर्म फिल कर चुके हैं, और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो फॉर्म फिल नहीं किए हैं। उन सभी के मन में एक चीज का टेंशन है कि कौन सा जोन में सबसे ज्यादा फॉर्म फिल हो रहा है या और कौन सा जोन में सबसे कम है, यानी कि हर एक जोन में कितना कितना फॉर्म फिल हो चुका है, कौन सा जोन में अभी भी कंपटीशन बहुत कम है और कौन सा जोन अभी के टाइम पे अनसेफ है, यानी कि सबसे ज्यादा वहीं पे कंपटीशन रहने वाली है। ऐसा सभी के मन में सवाल है, क्योंकि हमेशा कैंडिडेट क्या करते हैं, 5 दिन या 6 दिन बचता है लास्ट डेट, उससे पहले फॉर्म फिल करते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों हर एक जोन में कितना कितना फॉर्म फिल हुआ है, साथ ही साथ कौन सा जोन सेफ है, कौन सा जोन अनसेफ है और क्यों ऐसा है, ये भी इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। अंत तक बने रहिएगा और साथ ही साथ अगर पहली बार आए ना आप तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। देखिए दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ना रेलवे एनटीपीसी भर्ती का, टोटल 11,558 पोस्ट, जिसमें 12th पास में 3445 पोस्ट निकला है और ग्रेजुएशन पास में यानी कि स्नातक लेवल में 8113 पोस्ट है। अब देखिए दोस्तों, इन सभी में आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भैया इतना सारे जोन है, जिनमें कौन सा जोन में कितना फॉर्म फिल हुआ है। तो सबसे पहले इसी में मैं आता हूं, ठीक है। देखिए आप सभी के मन में, देखिए कोलकाता, मुंबई, भुवनेश्वर, बिलासपुर, सिकंदराबाद, गुवाहाटी, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम, पटना, प्रयागराज, ऐसे सभी जोन का नाम याद आ रहा होगा, उसका वैकेंसी भी आप सभी के सामने में है। तो अब कौन सा जोन में कितना फॉर्म फिल हुआ है, ऐसे आप लोग सोच रहे हैं। तो आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों, अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा कौन सा जोन में फॉर्म फिल हो रहा है ये कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं ना तो भैया आप एक बार, जैसे कि आप टेक्नीशियन का फॉर्म फिल कर दिए, एएलपी का फॉर्म फिल कर दिए, तो उसी रजिस्ट्रेशन से फॉर्म फिल हो जा रहा है और कोई सीरियल नंबर नहीं आ रहा है, जिसके वजह से टोटल फॉर्म पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया मेन कारण। तो सभी जोन, आप कोई सा भी जोन को हो, किसी को पता नहीं चल रहा है कि भैया कौन सा जोन में कितना फॉर्म फिल कर रहा है। हाँ, एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, जब इसका लास्ट डेट खत्म हो जाएगा तो आरटीआई मैं लगा दूंगा, आरटीआई लगा करके, ठीक है, कौन सा जोन में कितना फॉर्म फिल हुआ है ये आप लोगों को मैं बता देगा। लेकिन एक चीज आप लोगों को मैं बता सकता हूं कि कौन कौन सा जोन में अभी के टाइम पे कॉम्पिटिशन बहुत, मतलब दूसरे जोन के मुकाबले में कम रहने वाली है और कौन कौन सा जोन में कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा रहने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, फॉर्म भरने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंपटीशन जहां पे सीट कम है, कंपटीशन ज्यादा है, या कंपटीशन जहां पे कम है तो सिलेक्शन की चांस जहां पे कम है वहीं पे ज्यादा रहेगी, स्वाभाविक सी बात है, और जहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है वहां पे सिलेक्शन की चांस कम रहेगी। तो इसीलिए ये वीडियो खास करके आपके लिए है। एक चीज मैं सबसे पहले बता दूं, 2019 में, ठीक है, एनटीपीसी की जब वैकेंसी आई थी, ठीक है, कब आई थी, 2019 में, तो उस टाइम के बारे में मैं सबसे पहले एक चीज क्लियर कर दूं, वैकेंसी उस टाइम पे ज्यादा था, ठीक है, वैकेंसी ज्यादा था, हर एक जोन में अच्छा खासा वैकेंसी आया हुआ था, जिसके वजह से कटअप भी ठीक ठाक कम गया था। इस बार टोटल अगर हम पोस्ट की बात करते तो 11,558 पोस्ट है। हालांकि एक चीज मैं बता दूं, चाहे एएलपी की वैकेंसी हो या फिर टेक्नीशियन की वैकेंसी हो, सभी वैकेंसी बढ़ा था। अभी एनटीपीसी की वैकेंसी भी बढ़ सकती है, क्यों, क्योंकि बहुत सारा ऐसे पोस्ट है जो अभी तक नहीं आया, जो 2019 में आया था और 2024 वाली वैकेंसी में नहीं आया है, हो सकता है बढ़ सकती है फ्यूचर में, ठीक है। अब आप लोगों के मन में सवाल आता है कि सर कौन कौन सा जोन सेफ जोन है, तो सबसे पहले इसी में मैं बताता हूं और 12th पास वैकेंसी का बताता हूं। तो भैया सबसे ज्यादा वैकेंसी आप लोगों का आया है मुंबई में, 12th पास जो 3445 पोस्ट निकले अंडर ग्रेजुएट, उसमें 699 पोस्ट, कोलकाता में 452 पोस्ट, प्रयागराज में 389, चंडीगढ़ में 247, अहमदाबाद में 210 और चेन्नई में 194 पोस्ट, ये आया है आप लोगों का 12th पास वाली वैकेंसी में। अब इसी में मैं मुद्दे की बात आता हूं। देखिए दोस्तों, 2019 में वैकेंसी ज्यादा था, भैया कटअप कम आ गया, अभी के टाइम पे जिस जोन में सबसे ज्यादा पोस्ट है सिलेक्शन का चांस
वही ज्यादा है, क्योंकि देखिए अंडर ग्रेजुएट में 3445 पोस्ट बस निकली है, 3445 ही निकली है, ठीक है, हर एक जोन में अलग अलग। तो अभी के टाइम पे जिस जोन में सबसे ज्यादा वैकेंसी है वहीं पे सबसे कम कंपटीशन है दूसरे जोन के मुकाबले में, तो ये बात आप लोग जान लीजिए। जैसे कि मुंबई में 699, कोलकाता में 452, जो मैं पोस्ट का डिटेल बताया है, टोटल 6 जोन आप लोगों को बता दिया, जहां पे भैया अगर आप फॉर्म फिल करते हैं इन 6 जोन में से कोई एक जोन में, तो दूसरे जोन के मुकाबले में आप थोड़ा सा आगे रहने वाले हैं, यानी कि आपको थोड़ा सा प्लस पॉइंट मिलने वाली है। हालांकि जिस जोन में सबसे ज्यादा वैकेंसी रहती है वहां पे सबसे ज्यादा फॉर्म फिल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है उससे, जैसे कोलकाता, प्रयागराज, चंडीगढ़, अहमदाबाद, चेन्नई, इसमें भी तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। हालांकि मुंबई में मान लो आप सोच रहे हैं ज्यादा फॉर्म फिल हो रहा है तो बाकी जोन में कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है जहां पे 15-20 एग्जांपल बोल रहा हूँ, 15-20 जोन है या 15-20 वैकेंसी है, वहां पे आप फॉर्म फिल कर दिए और बोलोगे कि भैया यहाँ पे इतना कटअप कैसे गया, हमारे में इतना कम इतना ज्यादा क्यों गया, तो वहां पे आप लोगों का पोस्ट प्रेफरेंस मायने रखता है, यानी कि आप लोग जो RRB चयन करते हैं उसके आधार पे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अभी के टाइम पे 2024 वाली वैकेंसी में जहां सबसे ज्यादा वैकेंसी है वही आपके लिए सेफ होने वाली है। इसी प्रकार से अगर हम 12th पास वाली वैकेंसी की बात करते हैं, सॉरी ग्रेजुएशन पास वैकेंसी की बात करते हैं, तो ग्रेजुएशन पास वैकेंसी में टोटल आया है 8113 पोस्ट, ठीक है 8113। तो इस वैकेंसी में आप लोगों को सबसे चीज बड़ी बात यह है कि सबसे पहले आप लोगों को मैं बता देता हूं कि कौन सा जोन में कितना कितना पोस्ट है, ये सेफ के मामले में बता रहा हूं। तो कोलकाता में 1382 सबसे ज्यादा, मुंबई में 827 सबसे ज्यादा, भुवनेश्वर में 758, बिलासपुर में 649, सिकंदराबाद में 478, गुवाहाटी में 516 वैकेंसी है। ये हो गया सबसे ज्यादा वैकेंसी के आधार पे RRP, तो यही सेफ है अभी के टाइम पे। लेकिन एक चीज आप लोगों को बता दूं, पोस्ट प्रिफरेंस करने के टाइम पे बहुत ज्यादा कैंडिडेट मिस्टेक कर रहे हैं। क्या मिस्टेक कर रहे हैं आप लोगों को बता दूं, ये वैकेंसी में लेवल 6, लेवल 5, लेवल 3, 2 इस प्रकार से वैकेंसी आया, आप सभी को पता है। तो देखिए सबसे अच्छा लेवल 6 की वैकेंसी है, जिसमें बूथ, जिसमें स्टेशन मास्टर हो गया, सुपरवाइजर की वैकेंसी है, ये सब। अब बाकी जो लेवल 5 की वैकेंसी है, बूथ गार्ड वगैरह की, ये सब वैकेंसी है। तो आप लोगों को मैं बता दूं हमेशा आप पोस्ट प्रेफरेंस कैसे करेंगे, तो लेवल 6 हो गया, लेवल 5 हो गया, लेवल 3 हो गया, लेवल 2 हो गया, ये सभी में आपको करना है, ठीक है। लेवल 4 हो गया तो 1, 2, 3, 4 या 5 इस प्रकार से आपको पोस्ट प्रेफरेंस करना है, याद रखिएगा। ऐसा नहीं है भैया अच्छा खासा नंबर ले आए हैं और आप चयन कर लिए हैं लेवल 2 के अनुसार, तो आपको तो पोस्टिंग लेवल 2 के अनुसार ही मिलेगा। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूं पोस्ट प्रेफरेंस मायने रखता है, पोस्ट प्रेफरेंस रखने के टाइम आप थोड़ा सा ध्यान इस बात को दे लीजिएगा, आपके दिमाग में यही रहना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही मायने रखता है कि जो ये लेवल 6 की वैकेंसी जिस जोन में सबसे ज्यादा आया है फॉर्म वहीं पे ज्यादा गिरने वाली है, ठीक है, ये बात आप लोग जान लीजिए। जो गुड्स गार्ड हो गया, सुपरवाइजर हो गया, और साथ ही साथ आप लोगों का स्टेशन मास्टर की वैकेंसी हो गया, ये जो पोस्ट है ना बड़ी पोस्ट है, और ये पोस्ट जहां पे सबसे ज्यादा है वहीं पे कंपटीशन ज्यादा होने वाली है, क्योंकि सभी बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट है ना जो लेवल 2 लेवल 3 में अभी नौकरी कर रहे हैं, वो लोग भी फॉर्म फिल करेंगे, साथ ही साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी फॉर्म फिल करेंगे, और सबका मेन टारगेट होता है लेवल 6 की वैकेंसी। तो ये बात आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा और उसके अनुसार ही आप फॉर्म फिल कीजिएगा। और एक चीज मैं बता दूं, हमेशा से बोलते आए भैया जानकारी थोड़ा जुटा लीजिएगा उसके बाद फॉर्म फिल कीजिएगा, तुरंत हड़बड़ी करके फॉर्म फिल मत कीजिएगा। इतना दिन, 1 महीना का डेट रहता है, 1 महीना में आप आसानी से फॉर्म फिल कर सकते हैं। एक चीज बता दूं, RRB का वेबसाइट अभी हैंग या लैग नहीं हो रहा है। इससे पहले आप लोगों को बता दूं थोड़ा हैंग मतलब थोड़ा सर्वर डाउन चलता था जब 2018-19 की वैकेंसी चल रहा था उस टाइम, लेकिन अभी RRB बहुत अच्छा इंप्रूव हो चुकी है भाई, इतना अच्छा इंप्रूव हुआ है ना, लास्ट घंटा में जब ALP टेक्नीशियन की वैकेंसी आया था, लास्ट घंटा चल रहा था फॉर्म अप्लाई का, लास्ट डेट का, उसमें 2-3 मिनट बचा था ना, तब भी वेबसाइट एकदम फ्रीली चल रहा था। तो ये बात आप ध्यान दीजिए, आप फॉर्म फिल करने का आपके पास समय है, थोड़ा सोच लीजिए, विचार कर लीजिए कहां भरना चाहिए कहां नहीं भरना चाहिए, उसके बाद ही फॉर्म फिल कर दीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से मैंने आप लोगों को सेफ अनसेफ जोन के बारे में बता दिया, जहां पे ज्यादा पोस्ट है
वही इस बार सेफ है, ठीक है। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली नई भर्ती की अपडेट इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।